हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है, खुश आमदीद और वेलकम। और सुनाए, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है आप सब खैरियत से रहें, अपने घर में शाद रहें, आबाद रहें और खुश रहें। हमारे लिए भी दुआ कीजिए। आज बहुत देर हो गई वीडियो स्टार्ट करते हुए, क्योंकि पड़ोसियों का डेक ख़त्म ही नहीं हो रहा था, बंद ही नहीं हो रहा था। तो उसके चलते अगर वीडियो बना लेते हैं तो कॉपीराइट आ जाता है, गाने चलते हैं ना तो वो कॉपीराइट आ जाता है, हमारी वीडियो ख़राब हो जाती है, फिर हमें डिलीट करना पड़ जाता है। तो इसीलिए वेट करते हैं कि उनका डेक बंद हो, फिर हम वीडियो स्टार्ट करें। तो अब बंद हुआ है तो अब हम वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप साथ रहिए, आखिर तक साथ रहिए, और हम हर चीज़ आपसे शेयर करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हमने 3 कप चावल भिगो दिया था 4-5 घंटे पहले, और उड़द दाल भी भिगो दी थी, और आलू बॉईल भी कर लिया है। इन तीनों को मिक्स करके पीस लेंगे, एक बैटर बना लेंगे ठीक सा। ये हमने 3 कप लिया है ताकि ये हमारे 2-3 दिन चल जाए। आप अपना देख लें, इसको पीस के मिलते हैं। बैटर बना लिया, अब साथ में चटनी भी पीस लेंगे। ये चटनी हमने कई बार शेयर किया हुआ है। चने, मूंगफली, हरा धनिया, लहसुन और थोड़ी सी अदरक और नमक डाल के चटनी पीस लेंगे। हाफ बैटर हमने निकाल लिया। यहाँ पे हमने चॉप गाजर डाला है, चॉप शिमला मिर्च डाली है एक एक बड़े साइज की, और यहाँ पे हमने 2 हरी मिर्च लिए हैं, थोड़ा हरा धनिया और एक बड़े साइज की प्याज फाइन चॉप कर लिया है, और थोड़ा सा नमक 1 टेबल स्पून। इसको डाल के मिक्स करेंगे। मिक्स करके इसको 5 मिनट रहने देंगे। अब इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून जिंजर अदरक, अदरक लहसुन का पेस्ट, जिंजर गार्लिक बोलने के बजाय अदरक लहसुन, और यहाँ पे कड़ी पत्ता थोड़ा सा चॉप करके डाल लिया। इसको मिक्स करेंगे। अगर आप चाहें तो एक बड़े साइज का टमाटर फाइन चॉप करके भी डाल दें। हमारे पास टमाटर इस वक्त नहीं है, फ्रोजन है और वो निकालना भूल गए हम, तो इसलिए हम नहीं डाल रहे। अब इसमें एक इनो का पैकेट डालेंगे। इसको एक्टिवेट करने के लिए पानी डालेंगे और इसको अच्छे से मिलाएंगे। यहाँ पैन में हमने घी ग्रेस कर लिया था, थोड़ा सा पैन में लगा लिया था घी, और ये जो गरम भी कर लिया था हमने। अब ये बैटर डालेंगे। इसको ढक के पकाएंगे। इसको फ्लिप भी कर दिया हमने। अब इस पे थोड़ा सा चीज डालेंगे। मेल्ट होने तक इसको पकाएंगे। ये बन गया फ्लफी चीज डोसा, वेजिटेबल फ्लफी चीज डोसा बन गया तैयार।
साथ में हमने चटनी को भी बघार दे दिया, तड़का लगा दिया। यहाँ पे हमने पलिया भी बना लिया और यहाँ तैयार हो रहे हैं। ये तैयार कर लिया, कुछ चीज वाले तैयार किए हैं और कुछ बगैर चीज के किए हैं। ये चटनी भी हो गई, ये पलिया भी हो गया, ये डोसा हो गया फ्लफी सा। इसको खा के मिलते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं वरना बहुत लंबी हो जाएगी। खुश रहिए, खुशियां बांटिए और अपने आसपास वालों का भी ख्याल रखिए, अपना भी बहुत ख्याल रखिए। हमने चार सिंगों वाले बकरे पहली बार देखे थे, सोचा आप लोगों से भी शेयर कर दें। आपने कभी देखा है हमें ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। ये देखिए फ्रेंड, चार सिंग वाले बकरे, कभी देखा है आप लोगों ने? ये देखें।